साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था दुबई से रिलेटेड वे से इंडिया के लिए फ्लाइट। जी हाँ साथियों, जो सरकार ने वंदे भारत 4 स्टार्ट किया है उसमें 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में लगभग 58 फ्लाइटों का शेड्यूल है। आपको वीडियो के माध्यम से एक वीडियो पहले बना दिया, उसमें 30 फ्लाइटों का हमने जिक्र किया था। आज हम बात करेंगे लगभग 30 फ्लाइटों का, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भाई दुबई से कहाँ कहाँ से इंडिया के लिए 30 फ्लाइटें रहेंगी 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के बीच में। जी हाँ साथियों, 7 दिन के अंदर लगभग 30 फ्लाइटों का शेड्यूल है। तो भाई आप कौन सी फ्लाइट में आ रहे हैं, आप वीडियो देखते रहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें। फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो शॉर्ट तरीके से मैं बता दूंगा, 3 मिनट में 30 फ्लाइटों का शेड्यूल आप स्क्रीन पे देखते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, दुबई यूएई से फ्लाइट है। जी हाँ साथियों, अबू धाबी से तमिलनाडु चेन्नई के लिए फ्लाइट है 7 जुलाई की। 17:35 मिनट पे 177 यात्री पहुंचेंगे। नेक्स्ट फ्लाइट बात कर लेते हैं भाई, ये है दुबई से कोची के लिए। जी हाँ, इसमें भी यही सिस्टम है, 177 यात्री पहुंचेंगे। आगे बात कर लेते हैं भाई, दुबई से हैदराबाद के लिए तेलंगाना के लिए एक फ्लाइट है 7 जुलाई को, 177 यात्री इसमें आएंगे। आगे बात कर लेते हैं दुबई से, जी हाँ साथियों, दिल्ली के लिए फ्लाइट है 18:15 का शेड्यूल है समय पहुंचने का, 177 यात्री शामिल होंगे। नेक्स्ट फ्लाइट बात कर लेते हैं भाई, अबू धाबी से त्रिवेंद्रम के लिए फ्लाइट है 22:05 इंडिया पहुंचेगी, 177 यात्री शामिल होंगे। नेक्स्ट फ्लाइट बात कर लेते हैं भाई, अबू धाबी से फ्लाइट है लखनऊ यूपी के लिए। जी हाँ, इसमें बात करें 16:50 पे फ्लाइट पहुंचेगी, 177 यात्री शामिल होंगे। आगे बात कर लेते हैं भाई, दुबई से कोचिकोड़े के लिए फ्लाइट है 17:40 में इंडिया पहुंचेगी, 177 यात्री शामिल होंगे। फिर एक फ्लाइट है दुबई से त्रिवेंद्रम के लिए, जी हाँ साथी, 19:35 का 177 यात्री शामिल होंगे। कोचिकोड़े की बात करें भाई, दुबई से कोची के लिए फ्लाइट है 21:55 में 177 यात्री शामिल होंगे। अबू धाबी से कन्नूर के लिए एक फ्लाइट है साथियों, जो 177 यात्री पहुंचेंगे। ये बात कर लेते हैं भाई 9 जुलाई, जी हाँ साथियों, 9 जुलाई की बात करें भाई, दुबई से चेन्नई के लिए 177 यात्री पहुंचेंगे। 9 जुलाई की फिर एक फ्लाइट है अबू धाबी से कोचिकोड़े के लिए, 177 यात्री आएंगे। 9 जुलाई कोची से एक फ्लाइट है साथियों, दुबई से कोची के लिए फ्लाइट है 177 यात्री पहुंचेंगे। 9 जुलाई को फिर दुबई से कन्नूर के लिए फ्लाइट है, 10 जुलाई को फिर अबू धाबी से कन्नूर के लिए साथियों फ्लाइट है। बता दूं आपको 10 जुलाई को फिर आपको बता दूं दुबई से कोचिकोड़े के लिए फ्लाइट है। आगे बात करें 10 जुलाई को भाई पंजाब के लिए अमृतसर के लिए फ्लाइट है दुबई से, 177 यात्री पहुंचेंगे। 10 जुलाई को फिर अबू धाबी से त्रिवेंद्रम के लिए फ्लाइट है। 10 जुलाई को फिर अबू धाबी से कोची के लिए फ्लाइट है। जी हाँ, आगे बात करें 11 जुलाई को, जी हाँ साथियों, दुबई से कन्नूर के लिए फ्लाइट है। 11 जुलाई को फिर दुबई से चेन्नई के लिए फ्लाइट है। 11 जुलाई को फिर दुबई से साथियों कोची के लिए फ्लाइट है। 12 जुलाई को फिर दुबई से त्रिवेंद्रम के लिए फ्लाइट है। 12 जुलाई को फिर दुबई से साथियों कन्नूर के लिए फ्लाइट है। 13 जुलाई को फिर साथियों दुबई से त्रिवेंद्रम के लिए फ्लाइट है। 13 जुलाई को फिर अबू धाबी से साथियों कोची के लिए फ्लाइट है। और आगे लास्ट में बात करें साथियों, 13 जुलाई को दुबई से कन्नूर के लिए फ्लाइट है, 177 यात्री इसमें आएंगे। जी हाँ साथियों, तो साथियों शेड्यूल आपने देख लिया भाई, ये आपकी स्थिति है। और ये बता दूं कि 58 के लगभग फ्लाइटें हैं वंदे भारत 4 में दुबई यूएई से इंडिया के लिए। तो भाई फ्लाइटें तो बहुत हैं, आप इस बात को यहाँ बिठा लें दिमाग में कि 14 दिन में 60 फ्लाइटें कम नहीं होती इस महामारी के दौरान। लेकिन ऐसा क्या रीज़न है भाई कि आपको 60 में से मात्र 5-7 फ्लाइटें मिली हैं? राजस्थान को एक फ्लाइट नहीं मिली, दुबई अमृतसर को एक फ्लाइट, दो फ्लाइटें मिली हैं एक पहले में, यानी 3-4 फ्लाइटें अमृतसर को, 2-3 फ्लाइटें यूपी को, बाकी के स्टेट कहाँ हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है, आप लोगों को क्या हालचाल है? केंद्र सरकार को दोष मत देना इसमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, केंद्र सरकार को तो हम उनको हमारी सरकार सजेशन करेगी तो ही वो फ्लाइट आएगी भाई, वरना यहाँ से ये निकाल देना। क्योंकि अगर फ्लाइट नहीं आए तो हम केंद्र सरकार, फ्लाइटें तो आ रही हैं, समझ रहे हो बात को? दूसरी बात, केरला में सरकार किसकी है? सरकार तो विपक्ष की है ना केरला में। अब हम अगर मोदी को दोष दें तो केरला की सरकार तो विपक्ष की है, कम्युनिस्ट पार्टी है, फिर वहाँ पे फ्लाइटें ज़्यादा क्यों जा रही हैं? इसका मतलब आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि ये केंद्र सरकार का रोल नहीं है, उसमें राज्य सरकारों का रोल है। लेकिन भाई वो रात दिन एक करके अपने बंदों को बुला रहे हैं, और आपके राज्य मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके विधायक MLA आराम से सो रहे हैं। बस सीधा सा सिंपल सब यही है, बस सरकार को ऊपर को दोष मत दो भाई, अपने अपने स्टेट के को दो, गवर्नमेंट है उसको दोष दीजिए आप, सच्चाई है।
बस आज की जानकारी यही थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।